बहुत दिनों बाद। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना अगर भोजपुरी गाने सुनाई दे रहे हैं तो। वेलकम टू कॉमिक लॉजिक साइंस। और आज हम बात करेंगे 6 ऐसे कॉमिक बुक सीरीज की जो इंग्लिश में पब्लिक होती हैं पर आधारित रहती है इंडियन एपिक्स पे। ये जो कॉमिक्स की मैं बात करूंगा वो 21st सेंचुरी से ही पब्लिश होना स्टार्ट हुई है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 6, यूमी। यूमी कॉमिक सीरीज। इस सीरीज को पढ़ने पर आपको मांगा वाली फील आएगी क्योंकि इसकी स्टाइल मांगा जैसी है। पर ये कॉमिक सीरीज बेस्ड है सम्राट अशोक के जीवन काल के समय में। इस सीरीज में उमा नाम की लड़की को भयानक असासीन बनाया जाता है। उमा के हाथों उसी के गुरु को मरवाया जाता है। उसे दुनिया भर के बुरे काम करवाए जाते हैं। पर कलिंग से हुई युद्ध के बाद अशोक का जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो वो उमा को भी भगवान बुद्ध के रास्ते पर लाना चाहते हैं, जिसके बाद उमा मगध छोड़ देती है और 7 साल बाद अशोक को मारने आती है अपने साथ 3 और असासिन्स लेकर। वो अशोक से प्रेम करती है पर उसे पता चलता है कि अशोक उसके पिता है। इसके बाद बेहोश होने के बाद वो चाणक्य को मिलती है, जापान के सबसे शक्तिशाली शस्त्र मारुकि युमी, जो एक धनुष है के नाम के ऊपर उमा का नाम युमी रखा जाता है। आगे क्या होता है इसके लिए कॉमिक पढ़ लो। नोट, ये कॉमिक्स अडल्ट कंटेंट है। नंबर 5, उदयन। ये कॉमिक बेस्ड है हिंदू गॉड भगवान परशुराम के फरसा परसु पर। भगवान परशुराम धरती को 21 क्षत्रिय वंशों का संहार करके समुद्र के गर्भ से एक क्षेत्र को जन्म देते हैं। उस रक्त रंजिम क्षेत्र को वह नाम देते हैं भार्गव क्षेत्र। वो 42 कलरी स्थापित करते हैं और 21 स्वामियों को अपने परसु के 21 टुकड़े करके हर एक में बांट देते हैं, जो पुनः जुड़ता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और सदियों बाद एक ट्रेंड कलरी पलटू असासीन उसे जमा करने निकल पड़ता है। नंबर 4, ब्लड ऑफ द वॉरियर क्षत्रिय सीरीज। इस सीरीज की टाइमलाइन 356 बिफोर क्राइस्ट की है, जब इंडिया को जीतने के लिए सिकंदर महान आया था। और क्षत्रिय की ओरिजिन इससे भी पहले की है, जब एक किंगडम के राजा अपने अच्छे बेटे क्षत्रिय और बुरे बेटे मायादेव में से क्षत्रिय को नया किंग बना देता है तो मायादेव शैतान की शक्ति लेकर अपने पिता को मार देता है और भाई का हाथ काटकर उसे नदी में फेंक देता है, जिसके बाद उसके इष्ट देवता सूर्य क्षत्रिय और अपने पालतू बाघ को मर्ज कर देते हैं और पुनर्जन्म होता है क्षत्रिय का। इस सीरीज की टाइमलाइन बहुत लंबी चौड़ी है। 1874 ईस्वी में गंगा के तटीय क्षेत्रों में एक पुरातत्ववेता को मिलता है भगवान राम का बाल, जिसे मिस्टर नोबडी उसे मारकर चुरा लेता है। डीएनए मिलने के बाद भी नाकामयाब होने के 122 सालों के बाद डॉक्टर श्यामा की मदद से क्लोनिंग के जरिए कई क्लोन बनाता है, पर लगभग सभी अपाहिज होते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम वो अवतार रखते हैं नोबडी उर्फ कली, जो भगवान शिव के हलाहल का पापंश था और समुद्र मंथन के दौरान ही पैदा हुआ था। पास से अवतार भागता है और वापस उससे लड़ता है। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, डिस्ट्रक्शन का या फिर क्रिएशन का। वो किसे चुनता है जानने के लिए आपको कॉमिक सीरीज पढ़ना होगा। नंबर 2, दक्ष। इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी लाइन प्रेजेंट टाइम की है। इस सीरीज का लीड कैरेक्टर दक्ष होता है, जो यम का दत्तक और नाजायज पुत्र होता है, जिसे नर्क में एक मॉर्टल से प्यार करने पर उसे धरती पर भेजा जाता है, क्योंकि गुलू गुलू के दौरान वहां से कई खतरनाक कैदी पृथ्वी पर आ जाते हैं और उसे सजा मिलती है खतरनाक आत्माओं को पकड़ने के लिए। इसके बाद 6th ईसु में यह पता चलता है कि उसका पिता बला है और एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नंबर 1, शेखर कपूर्स देवी। ये इस लिस्ट की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर और सीरीज है। देवी का क्रिएशन 2nd सेंचुरी में ही बला को हराने के लिए होता है और उसके बाद जब बला बाद में वापस आती है तो देवी का भी पुनर्जन्म होता है तारा मेहता के रूप में। ये कैरेक्टर बेस्ड है इंडियन गॉडेस माँ दुर्गा पर और थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है शक्ति अर्थात चंदा से। ये शेखर कपूर सर की बेस्ट क्रिएशन है।
तो ये तो थे वो 6 कॉमिक सीरीज जो बेस्ड है इंडियन एपिक्स पर, जिनकी फॉरेन में डिमांड नेक्स्ट लेवल पर है, पर इंडिया में उसे सिर्फ गिने चुने लोग जानते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले महीने या फिर अगले साल में, तब तक के लिए गुड बाय।